अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारतीय कुश्ती संघ की। भारतीय कुश्ती संघ में पिछले कई दिनों से दंगल चल रहा है। इसमें खिलाड़ी शामिल हैं, नेता शामिल हैं। दंगल ऐसा जारी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तकरार की आज फेडरेशन के नए चुनाव पर भी पड़ चुकी है, जिसके बाद नई फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया। मेरे साथ दोनों पक्षों के लोग जुड़े हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक रिपोर्ट इस मुद्दे को समझने के लिए देखिए। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मां नहीं दिखूंगी। आपने यही छोड़ दिया अपना बस। भारतीय कुश्ती संघ के हाल में ही चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को जीत मिली थी। इसके बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। बजरंग पुनिया ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना पद्मश्री रख विरोध जताया। खिलाड़ियों का कहना था कि बृजभूषण जैसा ही कोई दूसरा अब कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन गया है, इससे क्या फायदा। पहलवानों के विरोध की ज्वाला देख सरकार ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए फैसले पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है। सरकार के फैसले के बाद खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर की और महिला फेडरेशन बनाने की मांग की है। कोई बात है कि पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। हाँ। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई, महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। वही खेल मंत्रालय की ओर से झटका लगने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा। ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बू आ रही है, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया। पहले फेडरेशन के चुनाव को लेकर कुश्ती संघ में बवाल मचा था, अब चुनाव होने के बाद भी दंगल जारी है। देखना होगा ये जंग कब तक जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब कुछ सवाल है इसको लेकर जो कि हम आपको बताते हैं। क्या आप संग्राम थमेगा, क्योंकि ये दंगल काफी समय से चल रहा है फेडरेशन और पहलवानों के बीच, तो क्या अब इस पर रोक लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही क्या पहलवानों की जीत हुई है, ये भी अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि थोड़ी संतुष्टि जरूर पहलवानों का हो रही है। साक्षी की तरफ से भी कहा गया ये अच्छा कदम है। क्या बृजभूषण की हार हुई है, इसके साथ बृजभूषण का दबदबा क्या घटेगा। हालांकि बृजभूषण की तरफ से कहा गया है कि संजय को वो नहीं जानते, यानी कि संजय से उनका कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं है जिसकी वजह से संजय को हटाया गया है, लेकिन क्या दबदबा अब घटेगा, ये सवाल जरूर बने हुए हैं। तो कुछ सवाल है जो कि इस वक्त हम बता रहे हैं आपको, जो इस वक्त बन रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। गीतांजलि शर्मा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं अलीगढ़ से कुश्ती संघ की। इसके साथ ही विवेक यादव हमारे साथ है, खिलाड़ियों के समर्थक। अतुल यादव हमारे साथ गोंडा से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत चर्चा में। सबसे पहले मैं गीतांजलि जी के पास ही चलती हूँ। गीतांजलि जी, क्योंकि इस पूरे मसले को आप भी बहुत बारीकी से देख रहे होंगे, आज जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, उस फैसले को लेकर मैम पहले आपकी राय क्या है, मैं वो जानना चाहूंगी। नहीं, सरकार के फैसले की मैं इज्जत करती हूँ और सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है कि भाई नियम पूरे नहीं है, तो वाकई नियम पूरे नहीं होंगे, इसलिए लिया गया होगा। सरकार के फैसले की मैं पूरी इज्जत करती हूँ। ठीक है, तो मैम अब ये मानकर चले कि जो ये दंगल चल रहा है पहलवानों के फेडरेशन के बीच, उस पर कहीं कंट्रोल हो पाएगा, उस पर रोक लग पाएगी? कंट्रोल और उपाय का तो मैं नहीं कह सकती, पर मैं खिलाड़ियों के एक जरूर एक ऐसी बात कहूंगी कि जिस तरह के ये घमासान जो चल रहा है वो एक, देखिए क्या है कि कोई फेडरेशन जो है वो भारत सरकार का पार्ट नहीं, वो एक स्वतंत्र है और स्वतंत्र अपने एक निर्णय होना चाहिए, और स्वतंत्र निर्णय के अनुसार अगर कोई एसोसिएशन बनी है, इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन को पूरे नियमों से बनाया गया है, तो उसका अब नियमों के अनुसार अगर छोड़ें तो मैं नहीं मानती कि कोई कमी उसमें है।
ठीक है, यानी कि एक स्वतंत्र संस्था है, अगर वो काम कर रहे इस तरीके से फेडरेशन, तो उसमें कोई कमी नहीं है, ये आपका कहना है। हमारे साथ विवेक यादव भी है, खिलाड़ियों के समर्थक हैं। विवेक यादव जी, अब ये कहा जाए, जिस तरीके से कल हमने तमाम खबरें देखी, दिखाई भी, उसके बाद अब जो ये फैसला लिया गया है वो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है, क्योंकि अब से पहले खिलाड़ी लगातार प्रेशर भी खिलाड़ियों ने डालने की कोशिश भी खुद की थी और खुद भी प्रेशर में नजर आ रहे थे, लेकिन इस फैसले के बाद थोड़ी राहत आप लोगों को मिली है? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया भाइयों का, और मैं खिलाड़ियों की तरफ से बोलूंगा। जी जी, मैं जो हूँ लखनऊ का जो है अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हूँ विवेक यादव, और जो है ये जो फैसला हुआ है ये सरकार को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ये, और लखनऊ में हमारा एक जो है लौता अखाड़ा चलता है जो 200 वर्ष पुराना है, और यहाँ से जो है लखनऊ से सांसद हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने आज तक का जो है हमारे जो है अखाड़े को जो है ना तो मैट दिया है और ना जो है कभी किसी ने जो है इसका वो लिया है जो है निर्णय। ठीक, तो ये बात आप लोगों की तरफ से आगे तक पहुंचाई गई है, क्योंकि खेल मंत्रालय की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है, मकसद यही है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाए, इसलिए जब ये पूरा मुद्दा सामने निकल के आया था, अनुराग ठाकुर खुद बातचीत भी कर रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। जब जो है जब खिलाड़ी जो है कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनेगा, जब ही कुश्ती आगे बढ़ेगी। ठीक, यानी कि चुनाव हो तो कोई खिलाड़ी जो है वो प्रमोट करे इसको, तो आपको लगेगा कि हाँ बेहतर तरीके से चीजें हो पाएंगी, स्थितियां जो है वो साफ हो पाएंगी। हमारे साथ गीतांजलि जी भी हैं, उनका भी हम जरा रुख कर लेते हैं। गीतांजलि जी, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं विवेक यादव साहब, वो कह रहे हैं कोई खिलाड़ी अगर बन पाएगा तो शायद फिर ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक तरीके से आ पाएगी, क्योंकि अभी वो ट्रांसपेरेंसी जो है खिलाड़ियों को कम से कम नजर नहीं आ रही है जो आप लोगों को नजर आ रही है। नहीं देखिए, खिलाड़ी बन पाए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एक खिलाड़ी एक रिप्रेजेंट करे, लेकिन खिलाड़ी भी निष्पक्ष होना चाहिए, और ये जो एसोसिएशन है इसमें काम करना कोई आसान बात नहीं है कि कोई भी, देखिए खिलाड़ी होना एक अलग बात है और एसोसिएशन चलाना एक बहुत अलग बात है। अलग क्यों है कि देखिए सारी चीजों की समझ होना जरूरी नहीं है, खिलाड़ी को सिर्फ एक खिलाड़ी के पता होता है, तो खिलाड़ी के साथ साथ अगर उसे सारी व्यवस्थाओं का भी पता हो, नेशनल इंटरनेशनल नियमों का भी पता हो, कानून का भी पता हो, और जो ठीक से अपने देश का, देखिए चाहे हम स्टेट में रखें, चाहे डिस्ट्रिक्ट में रखें, चाहे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों की बात रख सकें, ऐसा कोई प्रतिनिधि होना बहुत जरूरी है। खिलाड़ी को मुझे नहीं लगता कि एकदम खिलाड़ी सिर्फ नया खिलाड़ी हो, उसी उसको सारी चीजें पता हो, तो खिलाड़ी हो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना पुराना खिलाड़ी तो हो जो, और जरूरी नहीं है कि भाई कुश्ती से ही हो, खिलाड़ी कोई भी हो बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी एक खिलाड़ी रही हूँ, ताइक्वांडो की खिलाड़ी रही हूँ मैं 90s के दशक की, तो मैं भी जब खिलाड़ी थी तो मैं नहीं जानती थी कि नियम क्या है क्या थे, जबकि मैं आज जानती हूँ मैं सारे नियम क्या होते हैं, खिलाड़ियों के लिए सारा क्या होता है। तो ऐसा अगर कोई खिलाड़ी बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और खिलाड़ियों के लिए बात रखना और काम करना उनके लिए, ये एक जो जुनून रखता है अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए और खिलाड़ियों के लिए कुछ करने के लिए, ऐसा व्यक्ति ही एसोसिएशन को चला सकता है। कोई आम व्यक्ति या आम खिलाड़ी या एक खाली जिसने देश को प्रतिनिधित्व किया हो ऐसा नहीं कर सकता है।